Hello students, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग दरअसल हमारे पास एक टाइप होती है नेटवर्क स्विचिंग की। इस टाइप के अंदर हम लोग जब भी दो कंप्यूटर्स के दरमियान बात करवाते हैं तो हमारे पास उनके अंदर एक डेडिकेटेड एक कम्युनिकेशन पाथ बन जाता है, यानी एक ऐसा पाथ बन जाता है जो सिर्फ उन्हीं दो कंप्यूटर्स के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए रिजर्व कर दिया जाता है। उसको रख ही इस पर्पस के लिए जाता है कि सिर्फ वही दो कंप्यूटर्स उस पाथ पर चल के आपस में बात कर सकें, यानी उस रास्ते पर चल के आपस में बात कर सकें। यह हमारे पास डेडिकेटेड होता है, इससे ये मुराद है कि और किसी कंप्यूटर का डाटा उस पाथ के ऊपर हमारे पास अलाउड नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं नो अदर डाटा इज़ परमिटेड। इसी तरह हमारे पास जब भी सर्किट स्विचिंग के अंदर दो कंप्यूटर्स बात करेंगे तो उसके अंदर ये जो हमने बात की थी कि एक डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ होगा, इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि एक प्री स्पेसिफाइड रूट हमारे पास वहाँ पे अवेलेबल होगा, यानी कौन से रास्ते से चलकर एक कंप्यूटर ने दूसरे कंप्यूटर तक अपनी बात को पहुँचाना है ये हमारे पास पहले से डिसाइड कर दिया जाएगा और इसी पाथ को फिर इन दोनों के लिए डेडिकेट कर दिया जाएगा। और जब भी हम लोगों ने बात करना अपनी स्टार्ट करनी होगी सर्किट स्विचिंग के अंदर, तो ये ज़रूरी है कि बात को स्टार्ट करने से पहले ये हमारे पास सर्किट, जिसको हम लोग यहाँ पर पाथ या रास्ते का नाम भी दे रहे हैं, ये हमारे पास इस्टेब्लिश्ड हो जब भी हमने डाटा ट्रांसफ़र करना होगा। तो अब आइए इन तमाम पॉइंट्स को हम लोग एक रियल लाइफ सिनेरियो, यानी एक्चुअल रियल लाइफ ज़िंदगी में अगर हमने सर्किट स्विचिंग करनी हो तो वो कैसे होती है, इसकी मदद से समझते हैं। यहाँ पर आप लोग एक डायग्राम देख सकते हैं और हमारे पास एक कंप्यूटर ये मौजूद है C1 और दूसरा कंप्यूटर यहाँ मौजूद है C2। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग डाटा को ट्रांसफ़र करें C1 से C2 तक, और ये हम लोग काम करना चाहते हैं सर्किट स्विचिंग की मदद से। तो सबसे पहले क्या होगा, ये आप लोग देखेंगे इन दोनों के दरमियान में ये हमारे पास मुख्तलिफ राउटर्स मौजूद हैं। ये हमारे पास क्या हैं, सारे राउटर्स हैं जो कि राउटिंग का काम कर रहे हैं, और डाटा को भेजने के लिए यहाँ से यहाँ तक हमारे पास मुख्तलिफ रास्ते मौजूद हैं। एक रास्ता फॉर एग्ज़ाम्पल ये हम लोग स्ट्रेट यहाँ तक जा सकते थे, फिर एक रास्ता ये जिस तरह आप ये ब्लू ग्रीन और रेड बॉक्सेस की मदद से देख सकते हैं, एक रास्ता ये है हमारे पास, इसी तरह एक रास्ता ये यहाँ से जा सकता था। ये मुख्तलिफ हमारे पास रास्ते मौजूद हैं। तो अब जब भी हम लोगों ने इन दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन करनी होगी, तो जिस तरह अभी हमने ऊपर देखा था सर्किट स्विचिंग की मदद से कि सबसे पहले हमने पाथ इनका डिफाइन करना होगा, तो हम लोग कहते हैं कि हमने ये पाथ डिफाइन कर दिया कि जब भी C1 और C2 के दरमियान में कोई भी कम्युनिकेशन होगी तो वो हमारे पास इसी पाथ से होगी, जो ये आप ब्लू ग्रीन और रेड बॉक्सेस की मदद से देख सकते हैं। तो ये हमने पाथ एक डिफ़ाइन कर दिया। अब जैसे ही हमारे पास पाथ डिफ़ाइन कर दिया, ये जो सर्किट होगा, ये जो पाथ होगा, इसको डेडिकेट कर दिया जाएगा सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास ये C1 से C2 तक के लिए, यानी C1 से C2 के लिए इसको डेडिकेट कर दिया जाएगा। कौन से पाथ को, ये जो ब्लू ग्रीन और रेड डॉट्स की मदद से आप लोग देख सकते हैं। डेडिकेट करने का ये मतलब है कि अगर यहाँ पर हमारे पास कोई कंप्यूटर 3 भी मौजूद हो जाए जो कि डाटा भेजना चाहता था इस कंप्यूटर 2 तक, और ये कहता है कि मैं इस पाथ से ही डाटा को भेज दूँ, तो मेरे पास इसका ये पाथ, ये जो बन रहा है, इस पाथ से डाटा को भेज दूँ, तो इस पाथ को ये इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। क्यों नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये पाथ पहले से C1 और C2 के दरमियान बात करने के लिए डेडिकेट कर दिया गया है, उसको रिजर्व कर दिया गया है, तो किसी भी और कंप्यूटर का डाटा अब इस पाथ में नहीं आया जाएगा। अब जैसे ही हमारे पास C1 और C2 की जो कम्युनिकेशन है वो ख़त्म हो जाएगी, इस पाथ को फिर ख़त्म कर दिया जाएगा और C3 फिर अपना डाटा जो है ट्रांसफ़र कर सकेगा। तो सर्किट स्विचिंग के अंदर हमारे पास जो पाथ होता है वो परमानेंट भी हो सकता है और टेम्प्रेरी भी हो सकता है। इस बात का ये मतलब है कि ये जो हमने C1 और C2 के दरमियान में पाथ बनाया था, इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये परमानेंट पाथ बन जाए। परमानेंट पाथ से क्या मुराद है कि हमेशा ये पाथ जो है सिर्फ C1 और C2 के दरमियान ही कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल हो और कोई भी तीसरा कंप्यूटर यहाँ पर इनसे इस पाथ को इस्तेमाल ना कर सके। तो हमारे पास ये C3 जो है, अगर C2 तक डाटा भेजना चाहेगा तो इस पाथ से नहीं भेज सकेगा। इसको क्या करना पड़ेगा कि ये C3 जो है एक कोई नया पाथ बनाए, फॉर एग्जांपल पहले इस राउटर तक जाए और फिर इस राउटर की मदद से, इस दूसरी लाइन की मदद से यहाँ C2 तक आ जाए। क्यों? क्योंकि ये जो हमने पाथ इन दोनों के दरमियान में बनाया, जो सर्किट हमने यहाँ पर बनाया, ये परमानेंट सर्किट था।
इसी तरह ये सर्किट हमारे पास टेम्प्रेरी भी हो सकता है, यानी जब C1 और C2 की बात कंप्लीट हो गई तो उसके बाद इस पाथ को ख़त्म कर दिया जाए, इन दोनों के दरमियान का जो सर्किट बना था उसको डेडिकेटेड ना रखा जाए, उसको फ्री कर दिया जाए और कंप्यूटर्स के इस्तेमाल के लिए। तो उस केस में C3 फिर यही वाला पाथ इस्तेमाल कर सकती थी। तो सर्किट स्विचिंग हमारे पास परमानेंट भी हो सकती है और टेम्प्रेरी भी हो सकती है। अब देखते हैं कि ये सर्किट स्विचिंग का काम हम लोग कितने स्टेप्स में करते हैं। तो हमने देखा तीन स्टेप्स में हम लोग या तीन फेजेस के अंदर हम लोग इस काम को करते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं, सर्किट बनाते हैं दो कंप्यूटर्स के दरमियान में, यानी इस्टेब्लिश करते हैं सर्किट को, फिर ट्रांसफ़र करते हैं डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक इसी सर्किट इसी पाथ की मदद से, और फिर जब हमारे पास कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाती है तो हमने अगर उसको टेम्प्रेरी सर्किट बनाया था तो उसको डिसकनेक्ट कर दिया जाता है, और अगर वो परमानेंट हो तो फिर उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने देखा कि हमारे पास नेटवर्क स्विचिंग की एक टाइप सर्किट स्विचिंग क्या होती है और उसमें कैसे काम होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।